नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन 1 जून 2024 को होने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, मंगल देव 1 जून 2024 को दोपहर 3:27 पर मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 12 जुलाई 2024 तक मंगल मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश काल वातावरण के ऊपर, सैनिक के ऊपर, वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति और युद्ध का देवता कहा गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, विज्ञान का, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक माना जाता है। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी भी माना जाता है। मंगल का मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता देखने के लिए मिलती है। बलि मंगल के प्रभाव से जातक शारीरिक रूप से बलवान रूपवान होता है। बलवान मंगल जातक को विपरीत परिस्थिति और चुनौती पूर्वक वातावरण में भी डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करते हैं। मंगल से प्रभावी इंसान साहसी निडर होता है। मंगल अगर बलवान हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर मंगल तीसरे भाव, छठवें भाव, दसवें भाव और अगर एकादश भाव में विराजित हो तो इनके परिणाम बहुत ही शुभकारी होते हैं। वहीं यही मंगल अगर जन्म कुंडली पर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कमजोर मंगल के प्रभाव से रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं देखने के लिए मिलती है। पारिवारिक जीवन में कलह, कर्म क्षेत्र में रुकावट, वहीं शरीर में विष जनित बीमारी, रक्त से संबंधित रोग, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े फुंसी की समस्या देखने के लिए मिलती है। जब जन्म कुंडली पर मंगल की अवस्था कमजोर हो तो मंगल जनित उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। मंगल आपके राशि के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर दिनांक 1 जून 2024 को आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। आपके प्रथम भाव पर मंगल पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। मंगल पूर्व समयावधि में राहु के साथ अंगारक योग का प्रभाव बनाए हुए थे तो 42 दिनों तक यानी पिछले 2 महीने से मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार का उतार चढ़ाव भी मिल रहा था। प्रथम भाव पर मंगल प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता मिलने वाली है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सुख भाव पर जाने वाली है।
सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि आपके आयु भाव पर जाने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में और आपके वाणी में आकर्षण और मनोबल बढ़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप पिछले समय से अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं तो मंगल आपके लगन भाव पर विराजित होकर आपके अंदर अभूतपूर्व साहसिक सामर्थ्य आपको देने वाले हैं। करियर के मोर्चे पर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल साबित होने वाला है। लगन भाव पर मंगल विराजित रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इस समयावधि में अनुकूलता मिलने वाली है। वहीं कारोबारी जातकों के लिए भी यह समय काफी शुभकारी परिणाम आपको देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, पिछले समय से यदि आपके जीवन में पारिवारिक वातावरण काफी नकारात्मक बना हुआ है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके राशि के चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, तो पारिवारिक जीवन को लेकर मेष राशि वाले जातकों को सकारात्मकता इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। मंगल की चतुर्थ भाव पर जा रही दृष्टियां इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को घरेलू सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को भी प्रदान करने वाली है। भौतिक सुखों को भी मेष राशि वाले जातक अर्जित करने वाले हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव पर जाने वाली है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति और धन लाभ के अवसर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ भी होने वाला है। मंगल की दृष्टियां आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। रिश्तों को लेकर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव यदि आप पिछले समय से महसूस कर रहे हैं तो इस समयावधि में प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको सकारात्मकता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में भी यह गोचर अनुकूल साबित होने वाला है। प्रथम भाव पर मंगल प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में पिछले समय से शारीरिक बाधाओं से, शारीरिक बीमारियों से भी आपको निजात मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपको सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी की समस्या, अल्सर या ट्यूमर की समस्या, पेट से जुड़ी हुई किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर रही है, उससे आपको निजात इस समयावधि में मिलने वाली है। हालांकि मंगल आपके प्रथम भाव पर विराजित होंगे तो आपके स्वभाव में उग्रता देखने के लिए जरूर मिलेगी, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने व्यवहार में विनम्रता बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मंगल जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी शुभकारी रहने वाला है। मंगलवार के दिन यदि आप गेहूं, तांबा, गुड़, लाल फल इनमें से किसी भी चीज का दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी सकारात्मक बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।